गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा अपना नवा चैप्टर आप अज शुरू करन वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 10th दा है। केड़ा है वो चैप्टर? पीरियोडिक क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स। एलीमेंट्स मीनस तत्तां दी दा आवर्ती वर्गीकरण किमें किता जांदा है, ये क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, तो कड़े नियम बने हुए हैं। सब तो पहले ये हैगी असाइनमेंट नंबर 21। हुण देखो बेटा, पहला तत्तां दा वर्गीकरण की जिहड़ा पीरियोडिक क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स की क्लासीफिकेशन, तत्तां की वर्गीकरण क्यों करते हैं, तत्तां का वर्गीकरण की जिहड़े वख-वख जिन्ने भी तत्त ने उन्हां दी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होंदी हैं, उन्हां दी कुछ खास चीज़ां होंदी उन्हां दे अंदर। सारे तत्त अलग अलग तो हो नहीं सकते, किसी ने भी कोई ना कोई सिमिलैरिटी बाकी दे नाल होनी है, तार के तत्तां का वर्गीकरण किया जाता है कि उन्हें खूबियाँ होंदियाँ वो सारियां नूं याद रखना जो एवें औखा है, तो उन्होंने एक प्रॉपर तरतीबबंद रखने लई आपां तत्तां दा वर्गीकरण करते हैं। हुण तत्तां दे वर्गीकरण की महत्ता की है, क्यों महत्ता है, इसे करके महत्ता तुहानूं दसदा पहले ही मैं, क्योंकि अपने कोल ऑल ओवर 116 तत्त ने, सारियां नूं उहदियां उन्हां दी खास गल्लां याद रखनियां औखियां, 116 तत्त नूं तार के आपां तत्तां दा वर्गीकरण कर दिंदे हां कि कुछ तत्त इहदे नाल मिलदे होणगे, जिवें तत्तां दा अलग अलग वर्गीकरण नाम दे दांगे, अगे दहाना मैं तुहानूं, उस तो पता चल जाऊ तत्तां दा वर्गीकरण एक्चुअली हुंदा क्यों है। हुण देखो तत्तां दे वर्गीकरण लई किहड़े किहड़े यतन किते गए। सब तो पहला यतन किया डार्बनियर ने। डार्बनियर ने की किया, कहिंदा जिन्ने भी तत्त सीगे उस टाइम प्रेजेंट डार्बनियर दे टाइम, उहने उहनूं तीन तीन दे जोटे बनाते, डार्बनियर ने उहनूं तीन तीन दे जोटे बनाए, ते उहदे परमाणु पुंज नूं उहने इस तरह जोटा बनाया। सब तो जिहदा परमाणु पुंज सीगा पहले नंबर ते लिखिया, फिर उस तो बाद उस तो परमाणु पुंज दा लिखिया, फिर उस तो बाद उसका परमाणु पुंज लिखिया, तीन तीन दे जोटे बनाए। बनाउण तों बाद उहने देखो आ जिवें उहने तीन दा जोटा बनाया, लीथियम सोडियम ते पोटाशियम, आ तीन दा जोटा बनाया, इहने इस तरह जोटा बनाया कि पहले ते तीजे दा जोड़ करके जिहड़ा पहले ते तीजे दा औसत आउंदा है। औसत किवें कढ़दे हुंदे आ बेटा? औसत कढ़न दा की तरीका हुंदा कि पहले तीजे दा जोड़ करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये आऊगा 22.95। जिहड़ा गवला है इहदे अप्रोक्सीमेटली बराबर हुंदा। इस तरह इहने वर्गीकृत किया कि इहनूं परमाणु पुंज दे वाधे क्रम च लिखिया, पहले तीन तीन दे जोटे बनाए, इस तरह जोटा बनाया कि पहले तीजे दे जोड़ दा पहले तीजे दा औसत कढ़ीए, उहदा जिहड़ा औसत आवे उह गवले वाले दे बराबर होवे। इस तरह उहने वर्गीकृत किया। दोनों का जोड़ गवले वाले दे औसत दे बराबर है, पहले तीजे का औसत गवले वाले दे बराबर है, ठीक है। बट ये खामियां की सीगियां कि ये सारिया वर्गीकृत नहीं किया गया, इन्हों जिन्ने उस टाइम तत्त प्रेजेंट सारे इन्हों वर्गीकृत नहीं होए, कि ये सारे तत्त कवर नहीं होए जिन्हें उस टाइम के उत्ते प्रेजेंट सीगे डार्बनियर के टाइम के उत्ते, ठीक है जी। क्योंकि हुण अजकल तो 116 उस टाइम थोड़ा 116 सी, जिन्ने भी तत्त प्रेजेंट सीगे उहदा वर्गीकृत इस तरीके नाल तीन तीन दे जुटिया च नहीं किया जा सकिया, तार कि सिद्धांत फेल हो गया। फिर उस तो बाद आ गया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। उन्हें की किया, उन्हें न्यूलैंड ने देखिया कि इहनूं वाधे क्रम च लिखिया, वाधे पुंज परमाणु पुंज के अनुसार तो लिखिया, उन्हें देखिया जिहड़ा अठवां नंबर ते आंदा है उहदा परमाणु पुंज उहदी सेम उह हैगी खासियत हैगी है जिहड़े पहले वाले दे बराबर दी। हर एक अठवां बंदा आ देखो, हाइड्रोजन तो शुरू किया उहने, हाइड्रोजन लीथियम एवें शुरू करके हर एक जिहड़ा अठवां बंदा सी उहदी सेम आ गई सी जिहड़ी पहले वाले दी है, ठीक है। एवें उहने इहनूं वर्गीकृत तां करता, बट प्रॉब्लम इह च आई इहदे च उह सिर्फ हाँ देखो लिखे अठवें तत्त दे गुण पहले तत्त दे गुण दे बराबर सीगे, इसनूं अष्टक दा सिद्धांत भी कहा जांदा है। हुण प्रॉब्लम की हुई न्यूलैंड दे सिद्धांत दे विच, प्रॉब्लम की आई इहदे च सारे इहदे च भी तत्त कवर नहीं होए, इह च सिर्फ 40 दे करीब ही उह सिर्फ 40 दे करीब तत्तां नूं कैल्शियम तक ही उहनूं सीरीज़ च एवें प्रॉपर टेबल च लिख सकिया, बाकी इहनूं नहीं लिख सकिया। उह च इस सारणी च वध तों वध 56 तत्त ही कवर होए, इस तों वध तत्त उहदे च कवर ही नहीं होए, सारे तत्त इहदे च कवर नहीं होए, तार के भी सिद्धांत फेल हो गया, ठीक है।
ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿੱਕਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਟੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਓ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਹੋਗੀ, ਆਹ ਟੋਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।